तेज तर और बरक रफ्तार लीडिंग ऑनलाइन कश्मीर न्यूज सर्विस, सच्चाई की पहचान और मियारी खबरों की शान KNS। आदेश की बैकबोन है, तो वो जिस तरह से लोगों ने उसको फॉलो किया, रिस्पॉन्ड किया, सरकारें बनी और कांग्रेस पार्टी ने भी दूसरों की तरह जुमले नहीं बताए, उन्होंने डिलीवर किया और कांग्रेस पार्टी के स्टेट सरकारों ने उस पर एक्शन लिया और फैसला लिया। वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं कि हमें इमीडिएटली ये रिलीफ मिला। उसी तरह से मुल्की सतह पर भी राहुल गांधी जी ने पूरे देश के किसानों को कमिटमेंट में लिया है, तो उसी का जो हिस्सा यहाँ जम्मू कश्मीर में है, यहाँ किसान लोन करके हमारे डायरेक्ट किसानों का तो डायरेक्ट लोन कम है, मगर किसान क्रेडिट के नाम पर यहाँ पर एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में लोगों को मिला है। तो वो KCC लोन जो है वो पार्ट ऑफ द मतलब दैट पैकेज है, तो ये हमने अदरवाइज भी बताया। तो इस किसान फोरम ने इस पर जो डिटेल ज़मीनी सतह पर काम किया है, इन्होंने वो एक चार्टर ऑफ डिमांड्स हमारे सामने रखा और वो चार्टर ऑफ डिमांड्स में से मैक्सिमम चीज़ें इसी लोकसभा में आने वाले हमारे मैनिफेस्टो में, आपको कल मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा है, कुछ चीज़ें आपको कल ही उसमें दिखाई देंगे और बाकी जो कुछ चीज़ें इनके इस मेमोरेंडम में है वो स्टेट सब्जेक्ट है। वो 2 महीने बाद या जब भी असेंबली का चुनाव यहाँ होगा वो सारी चीज़ें स्टेट रिलेटेड हैं। तो एज ए कांग्रेस पार्टी हमने इनके जो इश्यूज हैं जो मुल्की सतह पर इनिशिएट लिए जा रहे हैं वो एग्री किए, जो उसके बाद में आने वाले दिनों में असेंबली चुनावों से रिलेटेड हैं क्योंकि वो स्टेट हुकूमतों से हल होने हैं, वो भी हमने प्रिंसिपली इनकी वो डिमांड्स, वो जायज़ डिमांड्स उसको हमने एग्री किया कि कांग्रेस पार्टी इन डिमांड्स को सिलसिलावार तरीके से, क्योंकि ये जो डिमांड जिनकी है वो हमारे लोग हैं, हमारे रियासत के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, आपके भी समर्थक हैं, आपने उस पर रिसर्च किया है, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने इस पर घर घर जाकर एक रिसर्च किया है माइन्यूटली, तो आपने इतनी अच्छी फाइंडिंग की है, आपने इतनी अच्छे तरीके से इसको पेश किया है, हम प्रिंसिपली इनके वो बनाई हुई डिमांड्स को सेंटर और स्टेट दोनों सतह पर एग्री करते हुए इस ज़मींदार फोरम ने, जिनका तादाद जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इट इज़ इन थाउजेंड्स, जो इनके वॉलंटियर जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमने ये एग्री किया कि हम इसको टेकअप करेंगे, ये जायज़ काज है, जायज़ लोगों का काज है। तो इसलिए ज़मींदार फोरम ने भी हमारे साथ एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट लिया है कि हम, चूँकि कुछ इनको विश्वास पहले ही मिला है, इन्होंने कर्नाटका में भी काम किया है, दूसरे स्टेट में काम किया है, तो इनको वहाँ से भी खुशी की लहर मिली है कि जिस काज के लिए हम काम कर रहे थे उस पर कांग्रेस पार्टी ने एंडोर्स किया। ताज़ातरीन मालूमात के लिए आप जुड़े रहें KNS के साथ। KNS को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।